बहनोई की फिल्म के लिए सलमान ने रोकी दूसरी फिल्म की शूटिंग। 17 साल बाद बॉलीवुड में लौट रहे नागार्जुन। सलमान खान हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, यही वजह है कि उन्होंने बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को कंप्लीट करने के लिए एक अन्य फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग को होल्ड पर डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान नहीं चाहते कि उनका ध्यान भटके और महेश मांजरेकर के निर्देशन में बन रही आयुष की फिल्म में किसी तरह की कसर रह जाए। फिल्म में सलमान की भी अहम भूमिका है। इस फिल्म के पूरा होते ही वे दोस्त साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले फरहाद सामी के निर्देशन में बन रही कभी ईद कभी दिवाली पर लग जाएंगे। 17 साल बाद बॉलीवुड में लौट रहे नागार्जुन। बोले करण जौहर ने मुझे किंग की तरह ट्रीट किया। साउथ इंडियन स्टार अकिनेनी नागार्जुन 17 साल बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने करण जौहर के दर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग पूरी की। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म की शूटिंग का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, मुंबई में मेरा ऐसे स्वागत हुआ जैसे मैं यहां से कभी गया ही नहीं था। करण जौहर और उनकी टीम ने मुझे किंग की तरह ट्रीट किया गया। बातचीत में नागार्जुन ने यह भी बताया कि फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई सीन नहीं है। इससे पहले नागार्जुन बॉलीवुड की एलओसी करगिल में नजर आए थे, जो 2003 में रिलीज हुई थी।